हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं आपको यूट्यूब चैनल बनाना सिखाने वाला हूं और यूट्यूब चैनल बनाने के साथ साथ यूट्यूब की उन सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट सेटिंग्स को भी ऑन करके दिखाने वाला हूं, जिससे आप एक परफेक्ट यूट्यूब चैनल बना सकें। अगर आप यूट्यूब की उन सभी इम्पोर्टेंट सेटिंग्स को ऑन नहीं करोगे तो आप यूट्यूब पर कितने भी महीने मेहनत कर लो बट आप यूट्यूब पर कभी भी ग्रो नहीं कर पाओगे और आपको यूट्यूब चैनल से कभी भी अर्निंग नहीं होगी, क्योंकि YouTube की ये वो सेटिंग्स हैं जिनको ऑन करने से आपका YouTube चैनल काफी जल्दी ग्रो होता है और आपकी वीडियो भी उन्हीं लोगों के पास जाएगी जो लोग आपकी वीडियो देखना चाहते हैं, जिससे आपकी वीडियो पर काफी अच्छे व्यूज आएंगे, जिससे आपको YouTube से काफी अच्छी अर्निंग होगी और आपका चैनल काफी जल्दी बूस्ट भी हो जाएगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखना ताकि आप भी YouTube की उन सभी इम्पोर्टेंट सेटिंग्स को ऑन करना सीख जाओ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जब भी आप एक नया YouTube चैनल बनाते हो तो आपके पास एक Gmail अकाउंट होना चाहिए। अगर आपके पास Gmail अकाउंट है तो आप उसी से भी एक नया YouTube चैनल बना सकते हो। अगर आपके पास Gmail अकाउंट नहीं है और आपको Gmail अकाउंट बनाना भी नहीं आता तो मैं आपको सबसे पहले एक Gmail अकाउंट बनाना सिखा देता हूँ, जिसके लिए आपको सबसे पहले YouTube एप्लीकेशन को ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद अब आपको सिंपली यहाँ इस पर क्लिक करना है। करने के बाद अब यहाँ पर आपको स्विच अकाउंट का ऑप्शन दिख रहा होगा, सिंपली इस पर क्लिक कर देना। इस पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ आपको ये प्लस वाला आइकन दिख रहा होगा, सिंपली इस पर क्लिक कर देना। जैसे यहाँ पर आप प्लस वाले आइकन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके सामने एक जीमेल अकाउंट का ऑप्शन आ जाएगा। अगर आपके पास जीमेल अकाउंट नहीं है तो आप उसके लिए यहाँ क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कर देना। जैसे ही आप क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करोगे आपके सामने यहाँ पर दो ऑप्शन आएंगे, आपको सिंपली फॉर माई पर्सनल यूज पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप फॉर माई पर्सनल यूज पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके सामने फर्स्ट नेम और सरनेम का ऑप्शन आएगा। आप सिंपली जिस भी नाम से अपना जीमेल अकाउंट बनाना चाहते हो तो आप सिंपली यहाँ पर उस नाम को फिल कर देना, या आप अपने चैनल के नाम से भी यहाँ पर जीमेल अकाउंट बना सकते हैं। जैसे मैं यहाँ फर्स्ट नेम में राघव टाइप कर देता हूँ और यहाँ पर आपको सरनेम का ऑप्शन दिख रहा होगा। यहाँ पर आपको ये सरनेम ऑप्शनल होता है, अगर आप सरनेम नहीं डालना चाहते तो आप सिंपली इसे ऐसे ही छोड़ सकते हैं, बट मैं यहाँ पर सरनेम में टैग डाल देता हूँ और आपको फिर सिंपली यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके सामने कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आ जाती है, जहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ और जेंडर सेलेक्ट कर देना है। जैसे सिंपली मैं यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद अब सिंपली यहाँ पर आपको जेंडर पर क्लिक करके आप मेल हो या फीमेल तो आप उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर देना, जैसे सिंपली मैं कर देता हूँ। इतना करने के बाद अब आपको सिंपली फिर से नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही मैं नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ यहाँ पर ये हमारे सामने दो जीमेल अकाउंट सजेस्ट करता है। यहाँ पर आप सिंपली जो भी आपको अकाउंट अच्छा लगता है तो आप सिंपली यहाँ पर किसी भी एक अकाउंट को सेलेक्ट कर सकते हो। आपको यहाँ पर थर्ड ऑप्शन में क्रिएट योर जीमेल एड्रेस का भी ऑप्शन दिख रहा होगा, आप सिंपली यहाँ पर क्रिएट पर क्लिक करके अपने अकॉर्डिंग अपना जीमेल अकाउंट खुद से बना सकते हैं। जैसे सिंपली मैं यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर देता हूँ। करने के बाद अब आपको सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके सामने पासवर्ड का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आप जो भी पासवर्ड रखना चाहते हो तो उसको यहाँ पर फिल कर देना। जैसे सिंपली मैं यहाँ पर पासवर्ड डाल देता हूँ। डालने के बाद अब आपको सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको सिंपली नीचे स्क्रॉल करके यस आई एम इन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपको जो भी आपने जीमेल अकाउंट बनाया है वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा, जैसे सिंपली आप यहाँ पर देख सकते हैं। इतना करने के बाद आपको फिर से नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो आपके सामने फिर से एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल करना है। करने के बाद यहाँ पर आप आई एग्री पर क्लिक कर देना। जैसे ही आप आई एग्री पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका ये जीमेल अकाउंट बनके तैयार हो गया है। ये आपको ऑटोमेटिकली यूट्यूब एप्लीकेशन पर रिडायरेक्ट कर देगा। अब यहाँ पर आपके मोबाइल में जितने भी अकाउंट हैं वो सारे यहाँ पर आ जाएंगे। आपको सिंपली जो भी आपने अभी अकाउंट बनाया है उसको यहाँ पर लॉगिन कर लेना। जैसे सिंपली मैं यहाँ पर कर लेता हूँ। यहाँ पर हमारा जीमेल अकाउंट लॉगिन हो गया है। इतना करने के बाद अब आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। करने के बाद अब आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से एक नया पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको सिंपली इस नेम वाले ऑप्शन पर क्लिक करके जिस भी नाम से आप अपना YouTube चैनल बनाना चाहते हो उस नाम को यहाँ पर आप टाइप कर देना। जैसे सिंपली मैं यहाँ पर इस नाम को ऐसे ही रहने देता हूँ, क्योंकि मैं इसी नाम से अपना YouTube चैनल बनाना चाहता हूँ। अब यहाँ पर आपको सेकंड ऑप्शन हैंडल का दिख रहा होगा, आप सिंपली इस पर क्लिक करके आप इस हैंडल को अपने हिसाब से बना सकते हैं।
जिस भी नाम से आप अपना हैंडल रखना चाहते हो तो आप उसको यहाँ पर टाइप कर देना। जैसे सिंपल मैं यहाँ पर राघव टैग 72 रखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर राघव टैग 72 लिख दूंगा। इतना करने के बाद अब यहाँ पर आपको क्रिएट चैनल का ऑप्शन दिख रहा होगा, सिंपली इस पर क्लिक कर देना। जैसे ही आप क्रिएट चैनल पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका यूट्यूब चैनल बनके तैयार हो गया है। अब आपको सिंपली इस पेंसिल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके चैनल का कुछ इस तरह का एक नया पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपके चैनल का नाम और हैंडल नेम और चैनल का यूआरएल और यहाँ पर आपको एक चैनल का डिस्क्रिप्शन भी देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर आप सिंपली इस डिस्क्रिप्शन में अपने अकॉर्डिंग या जिस भी चीज की आप टिप्स देना चाहते हो तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने डिस्क्रिप्शन को एडिट कर देना। जैसे सिंपली मैं यहाँ पर इस डिस्क्रिप्शन में सिंपली टैग टिप्स लिख देता हूँ। लिखने के बाद अब यहाँ पर आपको ऊपर की साइड में एक चैनल प्रोफाइल का ऑप्शन दिख रहा होगा, आप सिंपली इस पर क्लिक करके आप अपने चैनल की प्रोफाइल को भी चेंज कर सकते हैं। अब आपको पीछे की साइड में एक चैनल बैनर का ऑप्शन दिख रहा होगा, आप सिंपली इस पर क्लिक करके अपने यूट्यूब चैनल के लिए एक चैनल बैनर भी लगा सकते हैं। अगर आपको यूट्यूब का चैनल बैनर बनाना नहीं आता तो मैंने यूट्यूब चैनल बैनर के ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप सिंपली वहां से भी उस वीडियो को देखकर अपने यूट्यूब चैनल के लिए एक अच्छा सा चैनल बैनर बना सकते हैं। अब यहां पर आपका यूट्यूब चैनल बनके तैयार हो गया है। दोस्तों यहां पर अभी सिर्फ ये चैनल ही बना है, अब बात कर लेते हैं इनकी वो 5 सेटिंग्स जिनको ऑन करने से आपका यूट्यूब चैनल काफी जल्दी ग्रो होगा। अब यूट्यूब चैनल की सेटिंग्स को ऑन करने के लिए आपको सिंपली क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद अब यहाँ पर आपको studio.youtube.com सर्च कर देना है। जैसे ही आप सर्च करोगे तो यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का एक पेज ओपन हो जाएगा। अगर आपके क्रोम ब्राउजर पर studio.youtube.com डालने पर ऐसा पेज ओपन नहीं होता तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा, जहाँ पर आपको सिंपली लॉगिन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करोगे तो फिर आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको ऊपर की साइड में ये प्रोफाइल का ऑप्शन दिख रहा होगा, सिंपली इस पर क्लिक कर देना। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का एक पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको स्विच अकाउंट पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपके फोन में जितने भी अकाउंट्स लॉगिन है वो यहाँ पर आपके सामने दिख जाएंगे। अब यहाँ पर आपने जो अभी अकाउंट बनाया है उसको यहाँ पर लॉगिन कर लेना। हमने जो अभी अकाउंट बनाया है वो यहाँ पर हमें शो नहीं हो रहा। अगर आपको यहाँ पर वो अकाउंट शो नहीं होता है तो आप सिंपली इस पर क्लिक करके उस अकाउंट को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, उस अकाउंट को फिल कर देना है। अब यहाँ पर हमारा अकाउंट लॉगिन हो गया है। इतना करने के बाद अब आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। करने के बाद आपको यहाँ पर ब्रांडिंग वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके सामने इस तरह का एक पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको पिक्चर्स का ऑप्शन दिख रहा होगा और यहाँ पर आपको एक अपलोड का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो आप सिंपली इस पर क्लिक करके भी अपने यूट्यूब चैनल की प्रोफाइल को लगा सकते हैं। और यहाँ पर आपको यूट्यूब की प्रोफाइल का साइज क्या रखना है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक इसी तरह आपको यूट्यूब बैनर का भी एक ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ से आप अपने यूट्यूब चैनल का बैनर लगा सकते हैं और उसका साइज भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। अब आपको सिंपली इस बेसिक इन्फो पर क्लिक कर देना है। जैसे आप बेसिक इन्फो पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके सामने आपका चैनल नेम, हैंडल नेम और डिस्क्रिप्शन और यहाँ पर ऐड लैंग्वेज और चैनल का यूआरएल और यहाँ पर आपको कुछ लिंक्स भी देखने को मिलेंगे। अगर आप अपने चैनल पर किसी अदर प्लेटफॉर्म का लिंक ऐड करना चाहते हो तो आप सिंपली ऐड लिंक पर क्लिक कर देना और सेव कर देना। जैसे आप सेव कर दोगे तो यहाँ पर आपका लिंक ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट इन्फो में एक ईमेल एड्रेस का ऑप्शन दिख रहा होगा, आप सिंपली यहाँ पर अपनी ईमेल डाल देना जो आपके यूट्यूब चैनल के अबाउट में शो होगा, जिससे जो भी आपके यूट्यूब चैनल पर स्पॉन्सरशिप वगैरह आती है या आपके यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपसे जो भी कॉन्टैक्ट करना चाहता है वो आपके ईमेल एड्रेस के द्वारा वो आपसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। इतना करने के बाद अब आपको सिंपली सेटिंग्स वाले आइकन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे यहाँ पर आपके सामने सेटिंग्स ओपन हो जाती हैं। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले एक करेंसी का ऑप्शन मिलेगा। अब यहाँ पर आप जिस भी देश में रहते हो तो आप सिंपली उस करेंसी को यहाँ पर सेलेक्ट कर देना। जैसे सिंपली मैं इंडिया से हूँ तो मैं यहाँ पर INR सेलेक्ट कर दूंगा। यहाँ पर हमने INR सेलेक्ट कर दिया है। अब यहाँ पर आपको चैनल का ऑप्शन दिख रहा होगा, सिंपली इस पर क्लिक कर देना। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके सामने तीन ऑप्शन ओपन हो जाएंगे, बेसिक इन्फो और एडवांस सेटिंग्स और फीचर एलिजिबिलिटी का। अब यहाँ पर आपको बेसिक इन्फो में एक कंट्री ऑफ रेसिडेंस का ऑप्शन दिख रहा होगा, आप यहाँ पर जिस भी कंट्री से हो उस कंट्री को यहाँ पर सेलेक्ट कर देना। जैसे सिंपली मैं इंडिया से हूँ तो मैं यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट कर दूंगा।
इतना करने के बाद अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन कीवर्ड्स का देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको अपने चैनल का नाम कैपिटल स्मॉल और आप जिस तरह की इन्फॉर्मेशन अपने चैनल पर देना चाहते हो तो उससे रिलेटेड यहाँ पर टैग डाल देना और अपने चैनल का नाम स्मॉल कैपिटल स्पेस देके हर तरीके से यहाँ पर लिख देना है। आप यहाँ पर 500 टैग्स डाल सकते हैं। अब आपको सिंपली एडवांस सेटिंग्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप एडवांस सेटिंग्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल करना है। करने के बाद यहाँ पर आपको तीन ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे, जिसमें आपको सिंपली नो सेट दिस चैनल एज नॉट मेड फॉर किड्स वाले पर क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद अब आपको सिंपली फीचर एलिजिबिलिटी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप फीचर एलिजिबिलिटी वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके सामने 3 सेटिंग्स ओपन हो जाएंगी। दोस्तों ये सेटिंग्स सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं, इन सेटिंग्स को ध्यान से जरूर देखना। यहाँ पर आपके सामने स्टैंडर्ड फीचर्स वाली सेटिंग्स ऑलरेडी इनेबल मिलेगी। आपको सिंपली 2 सेटिंग्स को इनेबल करना है, जिसमें आपको सेकंड सेटिंग्स इंटरमीडिएट फीचर्स की दिख रही होगी। अगर आप इस सेटिंग्स को इनेबल कर देते हो तो आप अपने YouTube चैनल पर 15 मिनट से ज्यादा की वीडियो भी डाल सकते हो और आप वीडियो पर थंबनेल लगा सकते हो और साथ में लाइव स्ट्रीमिंग भी कर सकते हो। अगर आप इसको इनेबल नहीं करोगे तो ना तो आप अपने यूट्यूब चैनल पर 15 मिनट से ज्यादा की वीडियो बना सकते हो और ना ही आप थंबनेल लगा सकते हो और ना ही लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हो। तो इसको इनेबल करना बहुत ही जरूरी है, जिसके लिए आपको सिंपली इस वेरीफाई फोन नंबर पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप वेरीफाई फोन नंबर पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का एक नया पेज ओपन हो जाएगा, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आपको सिंपली 2 स्टेप में अपने फोन नंबर को वेरीफाई करना है। जहाँ पर आपको सिंपली 2 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, आपको सिंपली यहाँ टेक्स्ट मी द वेरिफिकेशन कोड पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको सिंपली अपनी कंट्री को सेलेक्ट कर देना है, जिस भी कंट्री से आप हो। और यहाँ पर आपको नीचे की साइड में अपने फोन नंबर फिल कर देना है, जो भी आप फोन नंबर यहाँ पर डालना चाहते हो। जैसे आप यहाँ पर फोन नंबर डालोगे और यहाँ पर नीचे आपको गेट कोड का ऑप्शन दिख रहा होगा, सिंपली इस पर क्लिक करोगे तो आपके मोबाइल पर एक कोड आएगा। तो आपको यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन ओपन होगा तो उसमें आपको वो कोड फिल कर देना है। जैसे आप कोड फिल करोगे और सबमिट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका फोन नंबर वेरीफाई हो जाएगा। जो यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया था स्टैंडर्ड सेटिंग्स का जो सेकंड ऑप्शन था वो यहाँ पर इनेबल हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको इस सेटिंग्स को ऑन करना है, जिसके लिए यहाँ पर आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए वो यहाँ पर आपको दिया हुआ है। इसको ऑन करने से आप डेली की लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं और डेली कई वीडियोस अपलोड कर सकते हैं और डेली की शॉर्ट्स भी डाल सकते हैं और अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक्स्ट्रा लिंक भी डाल सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। अगर आप इस सेटिंग्स को ऑन कर देते हो तो आपको ये सारे ऑप्शंस के फायदे मिल जाएंगे। जिसको ऑन करने के लिए आपके पास इस सेटिंग को आप वीडियो वेरिफिकेशन से ऑन कर सकते हैं, या वैलिड आईडी जिसमें आप पैन कार्ड का या डीएल का यूज कर सकते हैं, या चैनल हिस्ट्री से भी इसको ऑन कर सकते हैं, जिसके लिए आपको सिंपली एक्सिस फीचर्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। करने के बाद आपको सामने एक कैमरे का ऑप्शन आएगा, जिस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। अब आपको सिंपली यहाँ वीडियो डिफॉल्ट्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। करने के बाद यहाँ पर आपको 2 ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे, बेसिक इन्फो का, जिसमें आपको एक टाइटल का ऑप्शन दिख जाएगा। यहाँ पर आप टाइटल के ऑप्शन को ऐसी छोड़ देना, क्योंकि जब भी आप वीडियो अपलोड करोगे तो वहाँ पर आपको वीडियो का टाइटल अलग अलग रखना होता है। अगर आप यहाँ पर वीडियो का टाइटल सेव कर दोगे तो आपकी हर वीडियो पर वही टाइटल दिखाएगा। और यहाँ पर आप जैसे आप डिस्क्रिप्शन सेव करोगे तो यहाँ पर आपकी वीडियो में ऑटोमेटिक डिस्क्रिप्शन लग जाएगा, जिससे आपको बार बार डिस्क्रिप्शन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सिंपली यहाँ पर अपने हिसाब से डिस्क्रिप्शन भी लिख देना। यहाँ पर आपको विजिबिलिटी का ऑप्शन दिख रहा होगा, सिंपली इस पर क्लिक करके यहाँ पर इसको अनलिस्टेड छोड़ देना। अनलिस्टेड पर सेट करने से ये होता है, जब भी आप अपनी वीडियो को अपलोड करोगे तो वो हमेशा अनलिस्टेड रहेगी, जिसमें आप वीडियो को अपलोड करने के बाद उसको एडिट भी कर सकते हैं। आप सिंपली यहाँ पर अपने हिसाब से डिस्क्रिप्शन और टेक्स्ट डाल सकते हैं। अब यहाँ पर आपको एडवांस सेटिंग्स पर क्लिक करना है। करने के बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का एक पेज ओपन हो जाता है। अब यहाँ पर आपको सिंपली इस कैटेगरी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। करने के बाद यहाँ पर आपको बहुत सारी कैटेगरी सजेस्ट हो जाएंगी। आप यहाँ पर अपने चैनल के अकॉर्डिंग कैटेगरी को सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपकी चैनल की कैटेगरी हो, यानी जिस तरह की आप YouTube पर वीडियो अपलोड करना चाहते हो तो उससे रिलेटेड यहाँ पर कौन सी कैटेगरी होगी उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। जैसे आप एजुकेशन पर काम करना चाहते हो तो एजुकेशन की कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना, या आप अपने YouTube चैनल पर कॉमेडी वीडियो बनाना चाहते हो तो यहाँ पर आप कॉमेडी भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे सिंपली मैं यहाँ पर टेक की न्यूज देना चाहता हूँ तो मैं सिंपली यहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी
टेक्नोलॉजी पर क्लिक कर दूंगा। इतना करने के बाद अब यहाँ पर आपको वीडियो की लैंग्वेज का ऑप्शन दिख रहा होगा, सिंपली इस पर क्लिक करके आप जिस भी लैंग्वेज में वीडियो बनाना चाहते हो तो उस लैंग्वेज को यहाँ पर सेलेक्ट कर देना। जैसे सिंपली मैं यहाँ पर हिंदी सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर आपको टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो आप जिस भी लैंग्वेज में टाइटल और डिस्क्रिप्शन लिखते हो तो यहाँ पर आपको सिंपली उस लैंग्वेज को भी सेलेक्ट कर लेना है। जैसे सिंपली मैं यहाँ पर इंग्लिश इंडिया सेलेक्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पर आपको सिंपली सेव पर क्लिक कर देना है। दोस्तों अब यहाँ पर हमारी YouTube चैनल की सारी सेटिंग्स ऑन हो गई है, तो आप भी कुछ इसी तरह वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखकर अपने YouTube चैनल की सभी सेटिंग्स को ऑन कर सकते हैं और एक परफेक्ट YouTube चैनल बना सकते हैं। दोस्तों अगर आपके इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।